Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today we'll start the new chapter, chapter 19, Struggle Towards Freedom. आपने सुना होगा कि आजादी पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई करी, तो वही चीज आज हम रीड करेंगे इस चैप्टर में. इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड, एज यू नो एवरीवन कि इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था. दिस नेम वॉज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी. और ये सोनी चिड़िया क्यों बोलते थे इंडिया को? बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, जो उसकी जो वेल्थ है और प्रोस्पेरिटी है, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए ही इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था. इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेल्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड पर्ल्स. जो इंडिया जो था वो बहुत सारी चीजों से भरपूर था, रिच था, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेल्स, हर तरह की जो ज्वेल्स है उन सब के लिए या पर्ल्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए क्या था, रिच था. इंडियन गुड्स वर वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड. और जो इंडियन गुड्स थे, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स थे, जो चीजें थी, वो पूरी दुनिया में क्या थी, फेमस थी, पॉपुलर थी. द अरब्स वर द फर्स्ट ट्रेडर्स विद हुम इंडियंस डिड बिजनेस. अरब्स वो पहले ट्रेडर्स थे, पहले व्यापारी थे जिन्होंने क्या करा था, इंडिया के साथ, इंडियंस के साथ बिजनेस किया था. देन केम द पोर्चुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश. उसके बाद बहुत सारे आए बिजनेस करने के लिए इंडियंस के साथ, लाइक पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश. देवर फाइट्स अमंग दीज पावर्स फॉर कंट्रोल ओवर द इंडियन प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स. और इनमें, इन सब में क्या थी, स्ट्रगल रहती, सॉरी फाइट्स रहती थी, लड़ाई रहती थी कि नहीं, कि इंडियन प्रोडक्ट्स पर, इंडियन मार्केट्स पर किसका कौन, इन सब पे किसकी पावर रहेगी. द इंग्लिश वर विक्टोरियस. और इसमें जो लड़ाई, जो फाइट होती थी इन सब में, उसमें इंग्लिश जो थे वो उनकी ही दे वन, उनकी ही विक्ट्री थी. द इंग्लिश वर विक्टोरियस, उनकी ही विजय हुई थी. After some years, they not only control the trade through a company called the East India Company, but also ruled over India. कुछ सालों बाद जो इंग्लिश थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ट्रेड पर ही कंट्रोल नहीं किया था, बल्कि इंडिया पर भी राज किया था, रूल करने लग गए थे. The company bought goods from India at a cheap rate and sold them abroad at high prices. ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी क्या करती थी, इंडिया से चीप रेट में, बहुत ही कम रेट में गुड्स परचेस करती थी और अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में जाकर उसे बहुत हाई प्राइसेस पे, बहुत ज़्यादा कीमत पर उसे बेच दिया करती थी. एज अ रिजल्ट द कंपनी अर्न लार्ज प्रॉफिट. इसका परिणाम यह हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि जो कंपनी थी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग गई थी. द कंपनी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन वेरियस इंडियन टाउन्स. और जो इंडियन टाउन्स है वहाँ, इस कंपनी ने इंडियन टाउन्स में बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की थी. एंगर ऑफ इंडियंस, इंडियंस का गुस्सा. इंडिया हैड एन एग्रीरियन इकोनॉमी. सबको पता है, एज यू नो एवरीवन, जो इंडिया है इसकी जो इकोनॉमी है वो क्या है, एग्रीरियन है, मतलब कृषि से रिलेटेड है. दिस मीन दैट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनका जो क्या कहते हैं, रोजी रोटी जो होती है वो इस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्रोडक्शन से ही होती है, उन्हीं से मिलती है. इंग्लैंड वॉज अ डेवलप्ड कंट्री विद फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. जो इंग्लैंड है वो एक डेवलप्ड कंट्री थी विद फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इसलिए इंग्लैंड क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री थी. इट नीडेड रॉ मटीरियल्स एंड मार्केट्स टू सेल ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स. दिस वॉज ओनली पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग इंडिया. जो इंग्लैंड था उसे रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी इंग्लैंड को. और उसको ऐसा मार्केट, उसको ऐसे मार्केट्स चाहिए थे जहाँ पर वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को बेच सके. वो
दिस वॉज ओनली पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग इंडिया, और ये तभी पॉसिबल था जब वो इंडिया पे कंट्रोल करें. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर्स ऑफ इंडिया, और ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने पुअर फार्मर्स को, जो इंडिया के पुअर फार्मर्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था. एक्सप्लॉइट करते थे मतलब उनका शोषण करते थे, उनका यूज करते थे, उनका फायदा उठाते थे. द फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट वुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन इंग्लिश फैक्ट्रीज, और ये क्या करते हैं फार्मर, जो फार्मर थे इंडियन फार्मर, उनको फोर्स करते थे कि वो क्रॉप्स को, कैश क्रॉप्स को ग्रो करें, कैश क्रॉप्स को ग्रो करें, और उस कैश क्रॉप्स को यूज करके वो क्या करें उससे वो कैश क्रॉप्स ग्रो करें, और जो रॉ मटेरियल है उसका यूज करके उस इंग्लिश फैक्ट्रीज में यूज करें उस रॉ मटेरियल को. दीज वर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, और जो क्रॉप्स ग्रो करते थे इंडियन फार्मर्स रॉ मटेरियल के लिए वो कैश क्रॉप्स थी, कैश क्रॉप्स थी वो. कॉटन अ कैश क्रॉप सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, जो कॉटन क्या है कैश क्रॉप है, और उसे रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल सर्व किया जाता था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो इंग्लैंड में होती थी. दिस रॉ मटेरियल वॉज परचेज बाय द कंपनी एट वेरी लो प्राइसेस, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस मटीरियल को, इस रॉ मटीरियल को बहुत ही कम प्राइसेस पे, बहुत लो प्राइसेस पे परचेज किया करती थी. द फार्मर्स वर नॉट अलाउड टू ग्रो फूड क्रॉप्स, एंड एज अ रिजल्ट मेनी फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व्ड मींस भूखमरी, और जो फार्मर्स थे इंडियन फार्मर्स उनको अलाउ नहीं था कि वो फूड क्रॉप्स ग्रो करें. इसका रिजल्ट ये हुआ जो बहुत सारे फार्मर्स थे और जो उनकी फैमिली थी वो स्टार्व हो गई थी, भूख के मारे मर गई थी, मतलब भूख से तड़प रहे थे. रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टर्न. हैव अ गुड डे. थैंक यू.